फ्रेंड्स, मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। नाउन, जो इस इंग्लिश में हम लोग उसको नाउन कहते हैं, व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण तथा अवस्था का अपना अपना नाम होता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए कुछ वाक्य हैं। देखो, रमेश और किशोर दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मोर ने सांप को मारा। बंदर नाचता है। अलमारी में कपड़े रखे हैं। गीता और बबीता में गहरी दोस्ती है। रवि का मन बेईमानी से भरा है। उम्र भरते भरते बुढ़ापा आ जाता है। अब देखिए, रमेश, किशोर, मोर, सांप, बंदर, अलमारी, कपड़े, गीता, बबीता, दोस्ती में बेईमानी, बुढ़ापा, ये सब नाम है। तो जो भी नाम है वो सब क्या है? संज्ञा है। रमेश और किशोर लड़कों के नाम है। मोर और सांप प्राणियों के नाम है। बंदर जानवर का नाम है। अलमारी और कपड़े वस्तुओं के नाम है। दोस्ती एक भाव का नाम है। बेईमानी एक बुराई का नाम है। बुढ़ापा एक अवस्था का नाम है। परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? पांच। व्याकरण में संज्ञा के पांच प्रकार होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला, जातिवाचक संज्ञा। जो नाम किसी जाति के प्राणी, स्थान या वस्तु का नाम बताता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द जातिवाचक संज्ञा या किसी खास प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम नहीं है। वह व्यक्ति बुरा आदमी है। नदी चौड़ी है। राजा महल में रहता है। लड़का रो रहा है। युवती गा रही है। अब यहाँ पे आदमी है तो सब आदमी, आदमी का कोई नाम नहीं है पर्टिकुलर। नदी, कोई नदी है, सब नदी, कोई नदी का पर्टिकुलर नाम नहीं। इसलिए पूरी जो जाति का बोध कराता है उसे हम लोग, पूरी जाति का बोध जो कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, राज्य या स्थान का नाम बताता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीमा बड़ी बुद्धिमान लड़की है। भगत सिंह एक निडर व्यक्ति था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अब इसमें सीमा नाम आया है। अगर यहाँ पर लड़की होता तो वो जातिवाचक होता, सीमा है तो इसलिए व्यक्तिवाचक। भगत सिंह भी एक नाम है। हिंदी भारत भी नाम है। भोपाल, ठीक है, नई दिल्ली, तो यहाँ पे एक विशेष नाम दिया है इसलिए उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किन्हीं जातियों, व्यक्तियों, प्राणियों के समूह का बोध कराती है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित सब समूहवाचक संज्ञा है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। हमारा परिवार बड़ा है। मैं बैंक से 100 रुपयों की नोटों की गड्डी लाया। पाकिस्तान को हमारी सेना के दल ने पराजित किया। मुझे अंगूर का वह गुच्छा दीजिए। तो भीड़ कोई एक लोग की तो होती नहीं, बहुत सारे लोग होंगे तभी भीड़ होगी। परिवार भी जब 5-6 लोग होंगे तभी परिवार होगा। गड्डी तो रुपयों की गड्डी, जब बहुत सारे रुपये होंगे तभी गड्डी होगी। तो मतलब कहने का मतलब है समूहवाचक, मतलब एक समूह, एक झुंड या गुच्छा या दल, ये सब समूहवाचक संज्ञा में आता है। भाववाचक संज्ञा चौथा है। भाववाचक संज्ञा, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते पर उनका अनुभव कर सकते, ऐसी संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहलाती है। छात्र कक्षा में शांति से बैठे हैं। राजा ने चतुराई से न्याय किया। सफलता मिलने के लिए ईमानदारी जरूरी है। मेरी माँ के मन में बड़ी दया है। मुझे अपने देश से
खूब प्रेम है। मैं अक्सर अपना बचपन याद करता हूँ तो शांति, चतुराई, न्याय, सफलता, ईमानदारी, दया, प्रेम, बचपन, ये सब दिखाई नहीं देते, ये महसूस होते हैं। जो हम लोग भाव या भावनाएं जो होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। निम्नलिखित संज्ञाओं को नीचे गई तालिका में विभाजित कीजिए। लाल किला, सौंदर्य, पक्षी, बचपन, पुस्तक, श्याम, आम, मित्रता, कुत्ता, माली, कबूतर, बाघ, बिल्ली, बुढ़ापा, थकावट, लड़का, पौधे, हिंदी, विनोद, प्रेम, झोपड़ी, पढ़ाई, उत्साह, पर्वत, वीरता, सरकार, गरीबी, मुंबई, बीवी, रामायण, इन सब को क्या करना है, जो व्यक्तिवाचक में व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालिए, लिखिए। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में लिखिए। भाववाचक संज्ञा के भाववाचक संज्ञा में लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा के भेद पहचान कर अलग कीजिए। सोना, राजस्थान, राजा, बचपन, श्रीलंका, दूध, कुटिलता, नारित्व और सेना, झुंड, बाजरा, इन सबको अलग अलग करके लिखना, ये इसका आंसर है।